नामपल्ली हल्के असेंबली के तहत बलकापुर नाले और अफजल सागर नाले के तरक्याती काम जो कि 66 करोड़ रुपए की तखमीना लागत से किए जा रहे हैं, बतारीख 5 फरवरी बरोजे हफ्ते को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नामपल्ली एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने जीएचएमसी खैरताबाद जोनल कमिश्नर रवि किरण और जीएचएमसी ऑफिशियल्स के साथ वहाँ पर जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा मल्लेपल्ली इलाके के तमाम मजलिसी इब्तदाई सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस दौरे के चंद मनाजिर एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। नामपल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ख़ास तौर से बलकापुर नाला और अफजल सागर नाला का जोनल कमिश्नर और SNDP के SC डिप्टी कमिश्नर सबके साथ में ऑलरेडी एक इंस्पेक्शन किया गया है। जो बलकापुर नाला जिसकी लागत 56 करोड़ रुपये है और अफजल सागर नाला 10 करोड़ रुपये का है, इसका काम अफजल सागर नाले का ऑलरेडी स्टार्ट हो गया। बलकापुर नाले का काम स्टार्ट कुछ ही दिनों में होना है, ऑलरेडी टेंडर हो गया, प्रोसेस हो गया। तो हमारा मेन मकसद ये है कि ये नाले का काम जल्द से जल्द तकमील किया जाए, क्योंकि नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ख़ास तौर से ये दोनों कामों का सैंक्शन लेके आया और हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने इसको परस्यू करके ये सैंक्शन गवर्नमेंट से लेके आए। सो है हम चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द हो ताकि अफजल सागर की आवाम को जो बारिश के अंदर प्रॉब्लम आते हैं उससे राहत मिले। इसके लिए हम लोग सब आज यहाँ पर इंस्पेक्शनों को आए थे, सबके सब मौजूद थे, तमाम ऑफिसर्स मौजूद थे जिसमें टाउन प्लानिंग है, GHMC के इंजीनियरिंग का स्टाफ था और SNDP का स्टाफ था, प्रोजेक्ट का था, उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर मौजूद थे। मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बलकापुर कब तक स्टार्ट करेंगे? बलकापुर नाले का काम में थोड़े से जो भी वहाँ पर जो घरा इफेक्ट हो रहे हैं उसको हम ऑलरेडी ले रहे हैं, नोटिस सर्व करें, 8 तारीख को उसकी मीटिंग है, इंशाल्लाह वो लेने के बाद 15 दिन के अंदर बलकापुर नाले का काम चालू हो जाएगा। अफजल सागर का नाम ऑलरेडी अफजल सागर नाले का काम ऑलरेडी चल रहा है।